नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने जनरल टिकेटी क्लब में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक फैन रेगुलेटर जो कि आप उससे शोल्डर आयरन वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने का पूरा मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास एक आईसी जिसका नाम है BT-136, आपको दिख रही होगी फ्रेंड्स, आपको और पास से दिखा दूँ। BT-136 इसका नाम होता है आईसी का, और यहाँ पे ये आपको मिलेगी 10 रुपये की। तो ये BT-136 है। इसके बाद हमको चाहिए कुछ रेजिस्टेंस वगैरह, जैसे कि 10 kΩ की रेजिस्टेंस, एक DV3 और काफ़ी सारे कंपोनेंट और चाहिए। तो मैं उसका पूरा आपका बता दूंगा कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए। फ्रेंड्स, एक ये PF होता है 400 वोल्टेज का, क्योंकि 104 के 400 वोल्टेज का है मेरे पास। आप इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे फ्रेंड्स उसके बाद एक ये कंपोनेंट है, इसको कहते हैं DV3। ये आपको 1-2 रुपये का मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो आपको इसे किसी उससे ले लेना है, CFL बोर्ड से, तो वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। ये इसके बाद एक PCB है, छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और एक ये 10 kΩ की रेजिस्टेंस है, आप इसका कलर कोड देख सकते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई UT Source। UT Source एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको ऑल टाइप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि IC। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी टाइप की IC, आपको ऑल टाइप IC मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको ब्रिज रेक्टिफायर, रेजिस्टेंस, ETC, डायोड, ऐसे कुछ बेसिक कंपोनेंट्स भी यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी चीप रेट में केबल्स भी मिल जाएंगी, ऑल टाइप केबल्स और वायर्स इस पर अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। यहाँ पर आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे और IC और चिप, मॉड्यूल्स, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारा सामान मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, आपने इसका सर्किट डायग्राम तो देख ही लिया है, और फ्रेंड्स आप ना वीडियो को स्किप करते हो, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखा करो। और फ्रेंड्स, आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इन कंपोनेंट को हम जल्दी से फिट कर लेते हैं, जैसे कि हमें करने, मैंने आपको सर्किट डायग्राम में दिखाया हुआ है उसी तरीके से। ये जो PF है, ये पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देना है, क्योंकि सर्किट डायग्राम में उसी तरह है। और ये DV3 पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर लेनी है। फ्रेंड्स, मैंने ये जो कंपोनेंट थे वो इसमें लगा दिए। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें एक और कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ये होता है एक प्रीसेट। तो ये होना चाहिए 500K का, 500 kΩ का। ये आपको 5 रुपये का मिलेगा। फ्रेंड्स, इसको लगाना है जैसे मैंने सर्किट डायग्राम में दिखाया हुआ है। आप इतना तो जान गए होंगे कि सारे कनेक्शन करना कैसे कैसे करते हैं, और मैंने सर्किट डायग्राम दिया है पीछे। अगर आपको वो नहीं दिखा तो आप वीडियो को देख लो, अगर आपने स्किप कर दी हो तो ध्यान से देख लो। तो इसको भी इसमें हम अच्छी तरीके से बिठा देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसमें करनी है केवल हमें सोल्डरिंग, ये तो लगभग कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, तो ये लगभग बनके पूरी तरह कंप्लीट है, अब करने हमें इसके अंदर कनेक्शन। तो फ्रेंड्स, कनेक्शन के लिए मैंने आपको सर्किट डायग्राम में दिखाया हुआ है ट्रांजिस्टर है ये, जो हमारा इसके ट्रायर के 1 नंबर और पिन नंबर 2 से ही हमको कनेक्शन कर देने हैं, क्योंकि इसमें 2 ही पोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पिन नंबर 1 और 2 के साथ हमें कनेक्शन कर लेना है। फ्रेंड्स, तो फाइनली कनेक्शन कैसे करने हैं? तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इसमें कोई कनेक्शन तो केवल आपने 2 ही पॉइंट बताए, तो हाँ जी, 2 ही पॉइंटों पे लगेगा। आपको कोई सा भी एक वायर इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की टेंशन मत लेना, जो डायरेक्ट बल्ब की ओर आ रहे हों उनमें से एक वायर कट करके और पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करना है। फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी भी है, और मैं आपको हर बात बता रहा हूँ, और मैंने आपको सर्किट डायग्राम भी दिया हुआ है, उसे ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसे करेंगे हम टेस्ट। तो इसे थोड़ा फ्रेंड्स संभल के रहना, इससे आपको शॉर्ट लग सकता है। करेंगे, मैं अपनी पावर सप्लाई को ऑन करूँगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो सर्किट है ये वर्क करने लगा। और फ्रेंड्स ये पूरी वीडियो ओरिजिनल है, तो फ्रेंड्स जैसे जैसे मैं इसकी देखिए वैल्यू बढ़ाता हूँ तो बल्ब तेज होने लगता है हमारा, देखिए तेज होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कैमरे में भी थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, फोकस में दिक्कत आ रही है। फ्रेंड्स जैसे ही मैं इसकी वैल्यू, आपको यहाँ पे मेरे हाथ पे ध्यान देना है, जैसे ही मैं इसे उल्टी तरफ घुमाता हूँ तो देखिए बल्ब की जो रोशनी है वो कम होती जा रही है, देखिए और कम होगी और फाइनली ये बल्ब बहुत कम जलने लगा है, देखा बुझ गया, एकदम बंद हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपने देखा, अब इसकी देखिए थोड़ी थोड़ी करके मैं वैल्यू बढ़ाता हूँ तो बल्ब जलने लगेगा, ये देख सकते हैं बल्ब जलने लग गया, देखिए बंद हो गया, ओ बिल्कुल धीरे धीरे जल रहा है और एकदम देखिए तेज, एकदम कम तेज हो रहा है ना। तो फ्रेंड्स आप इस तरह का अपने घर पे बना सकते हैं, ये बिल्कुल बहुत ही इजीली है और अपने पैसे बचा सकते हैं। इसे बनाने में ओनली आपको 20 रुपीज़ का खर्चा आएगा और जो फैन रेगुलेटर होता है वो 100 या 150 रुपये का आता है। और फ्रेंड्स वो कम वोट का होता है, लेकिन आप इससे 1000 वोट तक का लोड वाला कूलर भी चला सकते हैं, बड़ा वाला। और फ्रेंड्स ये वीडियो पूरी ओरिजिनल है और मेरे चैनल पर कोई भी फेक वीडियो नहीं होती, आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगर कोई भी वीडियो पसंद आती हो या चैनल पसंद आता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, पसंद आई हो तो डिसलाइक कर देना, डिसलाइक का कारण कमेंट बॉक्स में बता देना। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।